आज हम यायावर साम्राज्य विषय पर कुछ चर्चा करेंगे यायावर जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़ समुदाय घुमक्कड़ समुदाय किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से वास नहीं करते हैं और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं ऐसे ही एक यायावर समुदाय ने विश्व के विशाल साम्राज्य की स्थापना की और यह साम्राज्य स्थापित करता था चंगेज खां जिसने मंगोल कबीले के साथ एक संगठन बनाकर इस विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की इस्लाम राज्य का भी निर्माण एक घुमक्कड़ यायावर समुदाय अरब के बद्दू कबीले ने स्थापित किया था इससे पूर्व यायावर साम्राज्य के रूप में अरब प्रायद्वीप में बद्दू समुदाय ने एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की परंतु चंगेज खां का यह मंगोल साम्राज्य उससे भी अधिक विस्तृत था जो यूरोप तक पहुंच गया इस प्रकार चंगेज खां ने एक अत्यंत विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की जिसमें विभिन्न संस्कृति धर्म के लोग रहते थे स्टेपी के इस समुदाय ने साहित्य रचना पर विशेष ध्यान नहीं दिया जिसके कारण हमको इनकी कोई साहित्य रचना प्राप्त नहीं होती है जो कुछ हमें जानकारी मिलती है वो कुछ यात्रा वृत्ता से मिलती है जिन्होंने इस समुदाय को एक बरबर -बर आदिम समुदाय घोषित किया लेकिन चंगेज खां के विजय अभियानों से आकर्षित कुछ साहित्यकारों ने इनके विषय में सहानुभूति पूर्वक रचना की और इनको एक बरबर आदिम समुदाय से हटकर एक साम्राज्य निर्माता के रूप में घोषित किया यद्यपि हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में सही जानकारी रूसी अनुसंधानकर्ताओं से प्राप्त होती है जिन्होंने इस समुदाय को एक उस संक्रमण अवस्था से निर्देशित किया जो जनजातीय समाज से हटकर सामंती समाज की ओर उन्मुख हो रही थी मध्य एशिया में तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एक ऐसे खतरे को महसूस किया जा रहा था जिससे कोई भी राजवंश वंचित नहीं रख सका खुद को और यह खतरा था चंगेज खां का उदय उसने स्वयं को ईश्वर द्वारा नियुक्त धरती का शासक घोषित किया और जिस भी राजवंश ने उसका विरोध किया उसने ना केवल उनको परास्त किया बल्कि उनके नगरों का समूल ही नष्ट कर दिया चंगेज खां के उद्भव से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इन मंगोलों की आरंभिक जीवन शैली कैसी थी कैसे भौतिक परिवेश में ये रहते थे आज जिस स्टेपिज की हम बात कर रहे हैं वो आज के मंगोलिया में पड़ता है जो शीत क्षेत्र में पड़ता है अतः इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मौसम बहुत ही कम समय के लिए रहता है और ग्रीष्मकालीन के अभाव में जब चरागाह सूख जाते थे या बर्फ जम जाती थी तो ये दक्षिण की ओर प्रवास करते थे और पुनः जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती थी तो आ जाया करते थे ऐसे में इन मंगोलों के पास दो रास्ते थे एक तो अपने भविष्य के लिए वो संग्रह करके रखते थे और दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास इन कारणों से यहाँ किसी भी नगर का विकास नहीं हो सका मंगोलों ने अपने यायावर जीवन शैली के कारण स्थायी रूप से कृषि नहीं की और अपने शीत ऋतु के जीवन को निर्वाह के लिए खाद्यान्नों का एकत्रीकरण किया भाषा और निर्जातीय संगठन ने इन कबायली समुदाय को एक कर रखा था परंतु संसाधनों की सीमितता के कारण उनमें विभिन्न समुदाय बनते गए और अनेक समुदाय अपने पितृवंशीय आधार पर थे इसमें कुछ वंश ऐसे थे जो अधिक संपन्न थे और उन्होंने विस्तृत चरागाहों पर कब्जा कर रखा था इनसे कुछ छोटे समुदाय जोड़ते चले गए जिनसे यह समुदाय और मजबूत होता चला गया और स्थानीय राजनीति में इनकी अधिक दखल होने लगी जब कभी लंबे शीत ऋतु के कारण जब खाद्यान्न समाप्त हो जाते थे अथवा जब वर्षा नहीं होती थी जिसके कारण चरागाह सूख जाते थे तो इन विभिन्न पितृव वंशीय संगठनों में आपस में संघर्ष होता था जिसमें मजबूत संगठन की विजय होती थी यही कारण था कि चंगेज खान ने एक मजबूत संगठन स्थापित किया मंगोलों ने यद्यपि स्थायी रूप से कृषि प्रारंभ नहीं की परंतु उनकी आवश्यकताओं को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे यही कारण था कि उन्होंने चीन के साथ विनिमय प्रणाली स्थापित की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीन के बाज़ारों में वे जाया करते थे दोनों पक्ष अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ललायत रहते थे जिसके कारण उनमें परस्पर संघर्ष होता था और अपने यायावर जीवन शैली के कारण मंगोल उन पर हिंसात्मक हमले करते थे और हमले कर कर वह वा वापस अपने क्षेत्रों में भाग जाया करते थे जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पड़ता था इसी कारण चीन के शासकों ने इन हमलों से अपने को बचाने के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया जो आठवीं शताब्दी पूर्व से प्रारंभ होकर तीसरी शताब्दी पूर्व तक चला मंगोलों के इस उद्भव में चंगेज खां का अहम स्थान था वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था उसने बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना किया जिसने उसके इरादों को और पक्का बना दिया चंगेज खां के जीवन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो उसका जन्म ग्यारह सौ ईस्वी में मंगोलिया में ओनोन नदी के तट पर हुआ बचपन का नाम तेमुजिन था इसके पिता का नाम एसुजेई था जो कियात कबीले के मुखिया थे बचपन में ही इनके पिता की हत्या कर दी गई उसके पश्चात इनकी माता ओलू निके ने चंगेज खां के सगे और सौतेले भाइयों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया तथा चंगेज खां का दस वर्ष की अवस्था में विवाह बोटे के साथ कर दिया जिसका कुछ समय बाद अपहरण कर लिया गया पत्नी को वापस प्राप्त करने के प्रयास में उसने अनेक लोगों से संधि समझौते किए और अपने संगठन को विस्तार देता चला गया उसका सर्वप्रथम मित्र था नवयुवक बोघुरचू जिसने आजीवन उसके साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और सदैव एक का विश्वास बना रहा दूसरा उसका मित्र था उसका सगा भाई जमू का हालांकि प्रारंभ में जमू का उसका विश्वस्त था परंतु आगे चलकर वह इसका दुश्मन भी बन गया चंगेज खाने कैराइट शासक एवं अपने पिता के वृद्ध भाई तुगरील उर्फ ओंखा से भी मित्रता स्थापित की और इस प्रकार अपने संगठन को विस्तार देता चला गया जमुका ने अपने भाई चंगेज खां के समक्ष कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न की जिसके कारण चंगेज खां ने उसके खिलाफ अभियान किए और जमुका को परास्त किया तत्पश्चात उसने तातार खां को भी परास्त किया और अपने पिता के सगे भाई ओम खां को भी परास्त किया इसके पश्चात उसकी शक्ति और अधिक विस्तृत होती चली गई और स्थिति यह थी कि मंगोलों के सरदारों की परिषद कुरिलताई ने उसे महान खान की उपाधि प्रदान की इसके पश्चात चंगेज खान ने अपने चीन विजय पर ध्यान दिया इस समय चीन तीन मजबूत राजवंशों में बटा हुआ था ये वंश थे उत्तर पश्चिम चीन पर सी सिया वंश का राज स्थापित था उत्तर चीन पर चीन राजवंश का तथा दक्षिण चीन पर शुंग राजवंश का सर्वप्रथम उसने उत्तर पश्चिम चीन पर हमला कर सी सिया वंश को परास्त किया और इस पर अपना अधिकार स्थापित किया तत्पश्चात उत्तरी चीन पर आक्रमण कर चीन वंश को परास्त किया और पेकिंग पर अपना अधिकार स्थापित किया अपने जीवन काल में वह दक्षिण चीन पर अधिकार नहीं कर सका था जिसको बाद में कुबलाई खाने पूरा किया इसके पश्चात वह वा मंगोलिया वापस चला गया इस प्रकार उसने चीन पर अपने इस स्वप्न को साकार किया किया। और अपने अधीन किया। अब उसने पश्चिमी एशियाई पर ध्यान देना शुरू किया और ख्वारिज्म, निशापुर समरकंद इन पर अपना अधिकार स्थापित किया जिन वंशों ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया उसने न केवल उनको परास्त किया बल्कि पूरे नगर के नगर ही उजाड़ दिए चंगेज खां के निशापुर अभियान के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी जाती है तो चंगेज खां आदेश देता है कि संपूर्ण नगर को उजाड़ दो इस प्रकार इसको उजाड़ दो कि यहां पर कोई कुत्ता या बिल्ली भी दिखाई ना दे इस प्रकार मंगोलों ने जहां भी अपने अभियान किए वहां के नगरों को बुरी तरह उजाड़ दिया यहां तक कि वहाँ के लोगों को मारने में उन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त होता था जिसके कारण वहाँ के निवासी पहले ही वहाँ से भाग खड़े होते थे अंततः अपने विजय अभियानों के पश्चात 1227 में चंगेज खां का देहांत हो गया चंगेज खां और मंगोलों द्वारा जो अभियान किए गए उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं एक जीवित व्यक्ति को एक स्तंभ पर बांधकर आग से उसे पकाया जा रहा है दूसरी तरफ हम इस चित्र में देखते हैं कि वो इसकी टांगों को खा रहे हैं एक जगह हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी के माध्यम से वो इसकी शरीर के विभिन्न हिस्सों को अलग करते हैं इससे हम यह समझ सकते हैं कि मंगोलों के अभियानों को वहां के लोगों ने किस प्रकार महसूस किया होगा चंगेज खां के चार पुत्र थे जो उसके पश्चात उसके साम्राज्य को विस्तृत रूप देते चले गए वे चार पुत्र थे चंगेज खां का सबसे बड़ा पुत्र जोची दूसरा पुत्र चगताई तीसरा पुत्र ओगोदेई, चौथा पुत्र तोलुई। चंगेज खां ने अपने जीवन काल में ही एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर दी थी परंतु उसके पुत्रों ने आगे चलकर इसे और विस्तृत रूप दिया चंगेज खां के उपरांत मंगोल इसमें प्रथम चरण देखते हैं हम 1236 से 1242 ईस्वी के दौरान जिसमें इसके पुत्रों ने रूस के स्टेपी क्षेत्र पोलैंड तथा हंगरी में विजय प्राप्त की दूसरा चरण 1255 से 1300 सौ ईस्वी में है जो एशियाई क्षेत्र में था इस दौरान संपूर्ण चीन ईरान इराक और सीरिया पर विजय की गई चंगेज खां तथा उसके पुत्रों के द्वारा विजित क्षेत्र के आधार पर हमारे पास एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसे आपके समक्ष पेश किया जाता है मंगोलिया चीन ईरान इराक सीरिया इसके अलावा रूस का स्टेपी क्षेत्र तथा जैसा कि यूरोप क्षेत्र में इन्होंने हंगरी कीव ऑस्ट्रिया आदि क्षेत्रों को विजय कर, कर इस साम्राज्य को यूरोप के मध्य तक पहुंचा देते हैं हमारे सामने एक विस्तृत साम्राज्य की रूपरेखा पेश होती है जिसने सिकंदर की विजयों को भी धूमिल कर दिया और विश्व के एक सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है यदि किसी वंश का उत्थान होता है तो उसका पतन भी निश्चित है इसी प्रकार चंगेज खां का जैसे उत्थान हुआ वैसे ही आगे चलकर इसके वंशावली में पतन भी होता है इसके पतन को हम देखते हैं तो वियना एवं मिस्र से इसके अधिकार हटे हैं जो ची ओगोदोई के उत्तराधिकारी द्वारा महान खान के साम्राज्य हेतु एकजुट होने के कारण उसके अन्य भाई संबंधी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं फलस्वरूप तोलुईद के उत्तराधिकारियों द्वारा इन्हें परास्त कर कमजोर कर दिया जाता है और इस प्रकार दूरस्थ क्षेत्रों में सेना न भेजने के कारण वो क्षेत्र स्वतंत्र हो गए अब तक हमने देखा कि किस प्रकार यायावर समुदाय ने विश्व के एक अत्यंत विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की यह साम्राज्य मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में स्थापित किया चंगेज खां ने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अंततः स्वयं को एक साम्राज्य निर्माता के रूप में पेश किया जिसको आने वाली पीढ़ियों ने न केवल अक्षुण बनाए रखा बल्कि उसे और विस्तृत रूप भी प्रदान किया